नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं हूँ रितिका और रितिका लाइफस्टाइल व्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। एंड मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। ये व्लॉग वेडनेसडे मॉर्निंग का है। सुबह उठ के ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहले वार्म वाटर पीती हूँ। सो मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। एंड उसके बाद ना स्लैब पे रात में मैंने कुछ बर्तन को वॉश करके रखा था, उन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ। अगर किचन के प्लेटफॉर्म में सामान फैला हो तो किसका काम करने का मन करेगा। एंड पानी पीने के बाद मैं लग गई हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना था। आज ना मैंने ब्रेकफास्ट में टोफू एंड मिक्स वेज सैंडविच बनाया था। इसका मिक्सचर मैंने कल रात में ही रेडी कर लिया था। सो अभी इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। स्कूल डेज़ में मैं एक दिन पहले ही रात में ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों की पूरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह बस फटाफट से बनाने का काम रह जाए। और वैसे भी मुझसे 4 बजे या 5 बजे नहीं उठा जाता है, क्योंकि मैं सोती भी थोड़ा लेट से हूँ। और यहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए भी चाय और नाश्ता बना लिया था, क्योंकि वो भी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए ऑफिस चले जाते हैं एंड लंच लेने के लिए वो बाद में आते हैं। अभी ना यहाँ का वेदर काफ़ी चिल्ड हो गया है। आज अर्ली मॉर्निंग थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था एंड जब भी स्नोफॉल होता है उसके बाद ठंडक और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्नोफॉल के बाद का ब्यूटीफुल व्यू दिखाती हूँ। बच्चों के स्कूल एंड हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने डेली के काम में। सुबह सुबह तो सभी के घर की हालत काफ़ी ख़राब होती है, सब सामान इधर उधर फैला होता है। तो पहले मेरा काम यही होता है कि सारे सामान को उनकी जगह पे रखना एंड फिर डस्टिंग करना। क्लीनिंग को हम कुछ टाइप में बांट सकते हैं, जैसे कि डेली क्लीनिंग या फिर वीकली क्लीनिंग। सो कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैं डेली ही करती हूँ, जैसे कि सोफ़ा की डस्टिंग करना, बेड को झाड़ना पोछना, टेबल एंड डाइनिंग टेबल तो कई बार क्लीन करना पड़ता है क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ उस पर गिराते ही रहते हैं। एंड अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग मैं वीक में एक बार अच्छे से कर लेती हूँ। बस उसके बाद चलिए थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इंसान की बॉडी एंड माइंड दोनों ही फ्रेश हो जाती है। वैसे तो मेरा वर्कआउट रूटीन जिम में जाके ट्रेडमिल चलाना ही होता है, बट कभी कभी जिम जाने का मन नहीं होता है तो मैं घर में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अपना वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं पीती हूँ खूब सारा पानी एंड साथ ही ड्राई फ्रूट जो कि मैं रात में ही सोक करके रखती हूँ उन्हें खा लेती हूँ। बस उसके बाद ही मेरा बाकी का काम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो में बाकी बातें करने से पहले आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से जो मेरे व्लॉग्स पहले से देखते आ रहे हैं वही मुझे बता पाएंगे कि आखिर मेरे वीडियो में क्या कमी है कि मेरे किसी भी वीडियो में बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे हैं। मैं मानती हूँ मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि घर के सारे काम करते हुए रोज़ रोज़ वीडियो बनाना एंड उसकी पूरी एडिटिंग करना मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। वीडियो को वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है एंड फिर मेरे बच्चे भी छोटे हैं। रिधान तो खुद से अभी खाना भी नहीं खाता है। इन्हीं रीजंस के कारण मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। हो सकता है शायद इसी वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। अब ना वीडियो बनाने का इच्छा ख़त्म होता जा रहा है, लगता है जैसे यूट्यूब छोड़ दूँ। जब इतना मेहनत करने का रिज़ल्ट 0 मिल रहा हो तो कब तक कोई पेशेंस रखे। अब आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूँ। और फ्रेंड्स, आज के लंच में मैं बना रही हूँ सबका फेवरेट कढ़ी चावल। कढ़ी चावल तो खैर मोस्टली लोगों को पसंद होता है एंड बहुत ही इजीली बन भी जाता है, और मुझे एंड मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने कढ़ी बनाने के लिए 3 कप बेसन लिया है एंड थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। उसमें पानी हमें बहुत हिसाब से डालना होता है, ज़्यादा लिक्विडी घोल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़े बन ही नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना होता है, नहीं तो कढ़ी सॉफ्ट नहीं बनती है। मैं हमेशा इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से बेसन को ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि उससे केवल 2 मिनट में बेसन फेटा जाता है। बेसन को ब्लेंड करके मैंने उसमें ऐड किया है चुटकी भर हींग, नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1 स्पून जीरा, चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, लहसुन प्याज और थोड़ा सा करी पत्ता। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ता को मैंने आधा बचा लिया है, क्योंकि मैं तड़के में भी उन्हें डालती हूँ।
अब सारी चीज़ों को मिक्स करके हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। एंड मैं हमेशा कढ़ी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ क्योंकि उससे कढ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें चुटकी भर हींग और 1 स्पून हल्दी पाउडर मिक्स करके उसका घोल बना लिया है। तो सारे पकौड़ों को फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा बेसन का पेस्ट उसमें से बचा लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 कप खट्टा दही और नमक। खट्टे दही की जगह मट्ठा डालने से भी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन मैं हमेशा खट्टे दही से ही कढ़ी बनाती हूँ। बेसन में दही डाल के हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो कढ़ाई में दही फटने लगता है। उसके बाद कढ़ाई में तड़के के लिए जाएगा 1/2 स्पून जीरा, सौंफ, राई, मेथी, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करके मैंने जो चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, लहसुन और करी पत्ता रखा था वो डाल दिया है। एंड उन्हें भी थोड़ा सॉटे करके मैंने उसमें चॉप किया हुआ अनियन भी डाल दिया है। सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम 2 स्पून फ्राइड वाला प्याज लहसुन निकाल लेंगे कढ़ी में ऊपर से डालने के लिए। एंड उसके बाद हल्दी पाउडर और हींग का जो घोल रेडी किया था वो भी कढ़ाई में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हींग ना कढ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए उसे स्किप मत करिएगा। एंड जब उसमें बॉईल आने लगेगा हम बेसन और दही वाला घोल भी डाल देंगे। बेसन और दही के घोल में मैंने थोड़ा और पानी मिक्स कर दिया है क्योंकि पकौड़े ना कढ़ी में डालने के बाद बहुत ग्रेवी सोक करते हैं। कढ़ी में एक बॉईल आते ही हम उसमें पकौड़े डाल देंगे एंड गैस को बंद कर देंगे। कढ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, नहीं तो कई बार वो फटने लगता है। लास्ट में हम उसमें सरसों तेल एंड राई का तड़का लगा लेंगे एंड फ्राइड वाला प्याज, लहसुन, ग्रीन चिली एंड करी लीव्स उसके ऊपर डाल देंगे एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता भी छिड़क देंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा लंच तो रेडी हो गया है। मैं चलती हूँ गरम गरम कढ़ी चावल खाने। एंड आप लोग में से जिसको जिसको कढ़ी चावल बहुत पसंद हो, जल्दी से आ जाइए यहाँ खाने के लिए। और आप लोग भी इन टिप्स के साथ कढ़ी बना के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय।